ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सॉल्यूशन लेसन है बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री का। इस लेसन के अंदर बहुत ही फर्स्ट क्लास टॉपिक जो आ रहा है वो आपका क्या है, अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म क्या है बेटा? अणु संख्यक गुणधर्म इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणु संख्यक गुणधर्म लाइव और कर लो बेटा। अणु संख्यक गुणधर्म है क्या? अणु संख्यक गुणधर्म इसका मतलब है कि वे गुणधर्म। क्या बोल दिया बेटा? वे गुणधर्म ठीक है, जिनका मान ठीक है, तो वे गुणधर्म हैं जिनका मान क्या बोल रहा हूं मैं, विलयन में उपस्थित पूरा बोलो एक साथ, वे गुणधर्म जिनका मान विलयन में उपस्थित विलय के आपेक्षिक कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आपेक्षिक कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मैंने कणों की संख्या बोला है या कणों की प्रकृति बोली है? कणों की संख्या न की विलय की प्रकृति, न की विलय की प्रकृति प्रकृति पर निर्भर न करके केवल किस पर निर्भर करेगा? कणों की संख्या पर ठीक है ना। अब पूरी परिभाषा एक बार बोलने का प्रयास करना। अपन पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अपन बोल सकते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, इसमें अणु संख्यक गुणधर्म में बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वे गुणधर्म जिनका मान विलयन में विलय के आपेक्षिक कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। समझ गए? यस सर। क्या कहलाएंगे अपने पास में अणु संख्यक गुणधर्म? क्या कहलाएंगे? अणु संख्यक गुणधर्म। अब बेटा अणु संख्यक गुणधर्म चार प्रकार के पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? चार प्रकार के। पहले अणु संख्यक गुणधर्म का नाम है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या बोल दिया बेटा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। उसी के साथ में दूसरा गुणधर्म अपन पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन। क्या नाम बोला बेटा? क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब वृद्धि होना या कमी होना? वृद्धि। बेटा हिमांक में अवनमन। क्या? हिमांक में अवनमन। वो लास्ट पढ़ेंगे बेटा अपने पास में पराश्रण दाब। कौन सा दाब? पराश्रण दाब। और इन्हीं के साथ में ये पाठ आपका खत्म हो जाएगा चारों पढ़ने के बाद। ठीक है ना, तो बताओ अणु संख्यक गुणधर्म कितने हैं बेटा? चार प्रकार के। कौन कौन सा बताया? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक के अवनमन और पराश्रण दाब। अच्छा, तो सबसे पहले कौन सा पढ़ोगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यही बात है बेटा? यस सर। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले अपने पास दो तीन चीज समझेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो ये बताओ कि वाष्प दाब का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। तो याद करो मैंने वाष्प दाब के लिए बेटा क्या बताया था कि सबसे पहले एक पात्र लिया। क्या लिया? पात्र।
और इस पात्र में हमने क्या भर दिया? द्रव पदार्थ। क्या भरा बेटा? द्रव पदार्थ। अच्छा, उसके बाद में अपने पास ऊपर इस पात्र के ऊपर क्या लगा दिया? ढक्कन। क्या लगा दिया बेटा? ढक्कन। और नीचे से इस पात्र को क्या किया? गरम। गरम किया। गरम करेंगे तो बताओ पात्र में वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अच्छा, और ये वाष्प बेटा वापस से इस द्रव की सतह पर, तो पता है पात्र में यहाँ पर ऊपर क्या है? ढक्कन। नहीं, ये वाष्प। अच्छा, और नीचे की साइड में क्या है? द्रव। अच्छा, ये वाष्प वापस से इस द्रव पर क्या डालेगी? दाब। ये कौन सा दाब कहलाएगा? वाष्प दाब। तो आप लोगों को परिभाषा देके बताए थे, स्थिर ताप द्रव एवं वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं। तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब उस ताप पर उस पदार्थ का क्या कहलाता है बेटा? वाष्प दाब। अब आप जो स्टडी करोगे वो वास्तव में क्या करोगे? आपेक्षिक अवनमन। अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होना? कमी। अच्छा, आपेक्षिक का मतलब किसी ने किसी के सापेक्ष, है ना? तो हम क्या डालेंगे पदार्थ? विलेय पदार्थ। हाँ, तो विलेय पदार्थ को डाल करके और फिर हम अपने पास में क्या करेंगे? उसके वाष्प दाब के मान में कमी करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग का मतलब समझे नहीं समझे? समझ गए। अच्छा, अब ये मेरे को याद आ रहा है कि यहाँ पर जैसे मैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ाऊंगा उससे पहले एक नियम बोलूंगा, क्या? कि अवाष्पशील विलय के लिए राहुल का नियम पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। दो पढ़ाए थे, एक वाष्पशील के लिए और एक बेटा अवाष्पशील के लिए। और इसको मैंने परिभाषित किया था, मेरे तो याद आ रहा है कि जब अवाष्पशील विलय को, क्या बोला बेटा? जब अवाष्पशील विलय को, अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, तो बने विलयन का वाष्प दाब, तो बने विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। और ये आई कमी विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? मोल भिन्न के। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और अच्छी परिभाषा देकर के इसकी क्लोजिंग कर रहा हूँ। अवाष्पशील विलय के लिए राहुल के नियम की क्या दे रहा हूँ सुनना, कि जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो, मैं बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो, पढ़ना बोलना क्या बोला? जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष, तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी, वाष्प दाब में आई कमी विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है, विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है, तो यही कहलाता है अवाष्पशील यौगिक के लिए राहुल का नियम। या फिर बेटा अपन बोल सकते हैं क्या, कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। एक बार परिभाषा पुनः देते हैं क्या? यस सर। आप पहले सुनना मेरी भाषा, कि जब अवाष्पशील विलय को
शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष वास दाब में आई कमी विलय की मोल बिन के बराबर होती है। समझ गए? यस सर। तो फॉर्मूला क्या निकला बेटा? पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल एन। क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा यहाँ पर अपन ये शब्दावली देखेंगे, ये शब्दावली क्या क्या है, ठीक है ना? क्या देखेंगे? शब्दावली। शब्दावली तो यहाँ पर एक तो आया पी जीरो, एक आया पी एस, एक स्मॉल एन और एक कैपिटल एन। पी जीरो का मतलब है बेटा शुद्ध विलायक। क्या बोल दिया? शुद्ध विलायक का वास्तव। क्या बोल दिया? शुद्ध विलायक का वास्तव। और पी एस का मतलब किसका वास्तव है? विलियन का वास्तव। विलियन का वास्तव। और स्मॉल एन का मतलब किसके मोल? विलय के मोल। विलय के मोल। कैपिटल एन का मतलब किसके मोल? विलायक के मोल। तो इस फॉर्मूले में सब कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। आगे चलें? यस सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी बच्चे ढंग से सुनना भैया एक बार, है ना? तो बेटा क्या बोल रहा हूँ, जब अवास्तविल विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष वास दाब में आई कमी विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है, ये कहलाता है अवास्तविल विलय के लिए राहुल का नियम। ठीक है यहाँ तक? Yes, बेटा यदि मान लिया जाए आपका विलयन तनु है, विलयन कैसा है? तनु है, ठीक है ना? तो विलयन जब तनु है तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास में विलयन तनु होने पर विलय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। किससे? विलायक से। मतलब क्या है, एक मटका पानी में अगर आपने एक चुटकी नमक डाल दी तो क्या मटका खारा हो गया क्या? नहीं, वो सब मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसमें नमक डला हुआ है या नहीं डला हुआ। तो ये कह रहे विलयन तनु का मतलब ये होता है कि विलय पदार्थों की मात्रा बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम होती है। किससे? विलायकों से। तो ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही कम, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको नगण्य मान लिया। किसको? विलय को। तो विलयन तनु होने पर आप इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो? पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू स्मॉल एन, और ये मान बहुत ही छोटा है तो ये अपॉन में क्या आ गया? कैपिटल एन। ये फॉर्मूला कब काम में लेना है? जब विलयन क्या पाया जाए? तनु पाया जाए। जब विलयन क्या पाया जाए? तनु। तनु पाया जाए। और अपने पास ये कब काम में लेना है? जब विलयन तनु नहीं हो। समझ गए? यस सर। अच्छा अब बेटा अपने पास में सर ये स्मॉल एन क्या है और कैपिटल एन क्या है? तो स्मॉल एन का मतलब आपको बताया था, ध्यान हो जबस्तो सर, क्या बताया था? विलय के मोल। क्या थे? विलय के मोल। अब विलय के मोल कैसे लिखते मालूम है? ग्रामों में भार बटे उसका अणुभार। क्लियर? यस सर। और बेटा नीचे वाला विलय के मोल है, विलायक के मोल है? विलायक के मोल। तो अपन क्या लिखते हैं? वही ग्रामों में भार बटे अणुभार। तो ये बड़ा है ना तो बड़े ले लिए, छोटा है तो छोटे ले लिए। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब इस नीचे फॉर्मूले में रख दूं? यस सर।
तो ये होगा बेटा पी जीरो माइनस पी एस बटे पी जीरो इज इक्वल टू, ये बताओ स्मॉल एन की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू अपॉन में स्मॉल एम, क्लियर? यस सर। अच्छा अब ये किसका निशान है, भाग का? किसका निशान है? बटे का, मतलब मैंने भाग का लगा दिया बस। अच्छा उसके बाद में कौन आएगा? कैपिटल एन, कैपिटल एन का वैल्यू क्या है? कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एन, तो कैपिटल डब्लू बटे में कैपिटल एम, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, मैं स्पेस का अभाव की वजह से बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर। तो ये संबंध क्या निकल के आया मालूम है? ये आया आपका पी जीरो माइनस पी एस, पी जीरो माइनस पी एस बटा में पी जीरो हो गया इज इक्वल टू। अब बताओ बेटा अपने पास में क्या है? स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम, फिर भाग को किस में बदल देंगे? गुणा में। तो मैंने कर दिया गुणा का निशान, तो संख्याएं आपस में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो ऊपर आ गया आपका कैपिटल एम और नीचे आ गया कैपिटल डब्लू, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से ये जो है वो बेटा न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। क्या सोल्व करने में काम आएगा? न्यूमेरिकल सोल्व। तो देखो पी जीरो का मतलब आपको मालूम है कि सर विलायक का वास्ता, पी एस का मतलब विलियन का वास्ता। अब मैं ये कर रहा हूँ बताओ स्मॉल डब्लू का मतलब क्या बताया था? विलय का ग्रामों में भार, विलय का ग्रामों में भार, ग्रामों में भार। और बेटा कैपिटल स्मॉल एम का मतलब क्या बताया है? विलय का अणुभार। क्या बताया बेटा? विलय का अणुभार। अब आया कैपिटल एम, क्या बेटा? कैपिटल एम, तो कैपिटल का मतलब विलय बोलो या विलायक बोलूं? विलायक। तो विलायक, एम बोले तो मॉलिक्यूलर वेट, बोले तो विलायक का अणुभार, क्या हो गया बेटा? विलायक का अणुभार। और कैपिटल डब्लू का मतलब है किसका? विलायक का भार, ग्रामों में भार, क्या हो जाएगा? विलायक का ग्रामों में भार, ग्रामों भार। समझे नहीं समझे? यस सर। यहाँ तक कर लोगे? यस सर। ठीक है आगे चलूं? यस सर। अच्छा अब बेटा अपन यहाँ से क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो आपको यहाँ से वास्तव के आपेक्षिक अवनमन के आधार पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो मैंने स्क्रीन पर लिखा, तो इसको पढ़ते बेटा। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का, किसका? शुद्ध बेंजीन। तो शुद्ध बेंजीन का क्या दे रखा है बेटा? वाष्प दाब। अच्छा बेटा ये बताओ बेंजीन में विलेय पदार्थ मिला रखा है या नहीं मिला रखा? अभी तो वह शुद्ध है, नहीं मिला रखा। बस तो मैं नीचे लिख दूं दिया गया है, क्या लिख दिया बेटा? दिया गया है। तो पी जीरो का मतलब क्या है? शुद्ध विलायक का वास्ता, यही बात है ना? तो बताओ शुद्ध विलायक यहाँ बेंजीन है और कोई है? बेंजीन। तो बेटा बेंजीन का वास्ता आपको कितना दे दिया? 0.850 बार। ऐसे ले जो देर मोहित, तो स्क्रीन को टच मत कर बेटा। 0.850 बार, क्लियर हो गया? हाँ। आगे पढ़ते हैं, पर्सन बोलते हम चलते जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? बोलो सर आगे चलो। अब बेटा मैं आगे क्वेश्चन को पुट अप कर रहा हूँ क्या? 0.5 ग्राम ए वाष्प सील विलय, तो बताओ विलय है, विलायक या विलयन है? विलय। विलय बेटा कितना है? 0.5 ग्राम। तो विलय छोटा होता है या बड़ा होता है विलायक से? छोटा। तो बेटा ग्राम में दे रखा है, ग्रामों में भार दे रखा है या अणु भार दे रखा है?
बार 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 कौन सा है ग्राम में, ठीक है बेटा। तो ये दे रखा आपको विलय का ग्रामों में बार बोले तो छोटा डब्लू, ये कराया 0.5 ग्राम, कितना कराया बेटा 0.5 ग्राम। वेरी गुड, आगे पढ़ें। हाँ चलो भाई आगे पढ़ते हैं। फिर क्या दे रखा है, को 39 ग्राम बेंजीन में, किस में 39 ग्राम बेंजीन में। बेंजीन आपका विलायक है या विलय या विलयन है? विलायक। विलायक की मात्रा कितने ग्राम दे दी बेटा 39 ग्राम। बड़ा डब्लू या छोटा? बड़ा। बड़ा डब्लू 39 ग्राम हो गए, क्लियर है? हाँ। अब इसको विलायक को विलायक में घोल दिया, घोल दिया घोल ने हाँ। क्या बोल रहा है, विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब का मतलब क्या दे दिया आपको, P0 या PS? PS। PS की वैल्यू कितनी है बेटा 0.845, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके बेटा यहाँ तक है। हाँ अब आगे चलें। हाँ सर भाई आगे चलते हैं। तो आगे चला तो क्या मिला मेरे को, निचले का वह विलय ठोस का, विलय का पूछ रहा है, विलय का या विलयन का? विलय का। विलय का बेटा क्या पूछ रहा है ये, अणु भार। विलय छोटा होता है या बड़ा? छोटा। तो छोटा एम क्या कर रहा है अपन से पूछ रहा है, आधी चम्मच हो गई। उसी के साथ में बेटा पर्सन में और क्या दे दिया, बेंजीन का अणु भार। बेंजीन आपका विलय या विलायक या विलयन? विलायक। विलायक कैपिटल एम, अणु भार कितना दे दिया 78 ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल। अब बताओ आपने हमने क्या किया है, सर जो पर्सन में दे रखा वो लिखिए बस, आया ना? हाँ हाँ। अब मैं आप सभी बच्चों को एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ, सुनना भैया। मेरे पास में ये एक पात्र है, क्या है बेटा पात्र, और इस पात्र के अंदर बेंजीन है, कौन है बेटा बेंजीन, और बेंजीन की मात्रा कितने ग्राम है ये बताओ, बेंजीन की मात्रा 39 ग्राम। अब उस बेंजीन में विलय कितना डाल रखा है, केवल और केवल 0.5 ग्राम। सुनो तो विलय की मात्रा बहुत ही कम है, नहीं विलायक से है तो हम क्या कहेंगे, विलयन कैसा है बेटा तनु, विलयन कैसा है तनु, तो विलयन तनु होने पर, विलयन क्या होने पर है तनु होने पर, अब बेटा आप अब तनु विलयन के लिए गुड़िया क्या करेंगे, राहुल का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं, राहुल का नियम। लेकिन ये बताओ बेटा कि आपका जो पदार्थ वो वाष्पशील है या अवाष्पशील है, अवाष्पशील। अवाष्पशील क्या राहुल का नियम लगाऊंगा या वाष्पशील वाला लगाऊंगा, राहुल का नियम अवाष्पशील वाला। अवाष्पशील वाले, तो देखो मैंने लगाया शुद्ध विलायक के सापेक्ष वास दाब में आई कमी विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है, क्लियर है? यस सर। लेकिन बेटा आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, विलयन कैसा है तनु, तनु विलयन है, तो ये हटा दूं क्या ये वाली चीज? यस सर। अच्छा ठीक है और आगे चलते हैं। अब ये बताइए आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो P0 - PS / P0 = (n) को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, (w/m)? यस सर। और बेटा कैपिटल एन को कैसे लिख सकता हूँ अपने पास में, सर एक मिनट रुकना, कैपिटल एन को कैसे लिख सकते हैं बेटा, ग्रामों में भार, और ये ऊपर चला गया बेटा अणु भार, हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अपन लिखते हैं चीटिंग कर करके,
ये बताओ सबसे पहले अपने पास क्या लिखेंगे? P0 की वैल्यू देखो स्क्रीन पर यहाँ कितनी है, 0.850 माइनस बेटा पीएस की वैल्यू देखो कितनी है, 0.845 तो ये हो गया 0.845 अपॉन वापस से P0 की वैल्यू कितनी है, 0.850 इक्वल टू बेटा स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू देखो कितनी है, 0.5 तो 0.5 लिख लिया, 0.5 इनटू कैपिटल एम का मान देखो कितना दे रखा बेटा, 78 ये वैल्यू रखो 78। अच्छा अपॉन में बेटा स्मॉल एम का मान देखो कितना है, स्मॉल एम पूछा गया है, पूछा गया है स्मॉल एम, इनटू कैपिटल डब्ल्यू का मान देखो कितना है, 39 ये हमने 39 रख दिया। अच्छा अब आगे मैथ का रोल हो गया, किसका है भैया, मैथ का रोल सोल्व करें। यस सर। इसमें से ये वैल्यू घटाए तो बेटा कितनी आई, 0.005 अपॉन में कितना बेटा, 850 इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अपॉन में m इनटू 39। अच्छा m को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आया m इज इक्वल टू 0.5 इनटू 78 इनटू 0.850 राइट। यस सर। अपॉन में क्या आ गया बेटा, 0.005 इनटू 39। अब देखो इतना काम तो आगे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। मैं आप सबका गुरु हूँ या नहीं हूँ, हो इसलिए मैंने लिख दिया ले 170। कितना आंसर आ गया बेटा, 170। हाँ आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर ये आएगा राइट, कर लोगे? यस सर। बेटा ये पहला पॉइंट आपका खत्म हुआ, अणु संख्या गुणधर्म का वास दाब का अपेक्षित अवनमन और न्यूमेरिकल। ठीक है अब अपन कल पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, मैंने नोट्स आप लोगों को सेंड कर दिए ठीक है।